लाइट लगाओ यार तुम लोग, तो फिर क्या होगा? साथ में ये मैम थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे सरप्राइजेस थे पलक दी की तरफ से, बहुत सारे गिफ्ट्स मिली एंड केक काटे। अभी तक आई थिंक 12-13 केक कट चुके हैं, लगा चुके हैं मेरे फेस पे, इसलिए मैं आज ज़्यादा गोरा दिख रहा हूँ। सो हाँ, बहुत अच्छा रहा पूरा दिन। आज आज एक सिंगल मेरा आने वाला है 28 तारीख को, उसका पोस्टर भी आज लॉन्च हो गया है, पार्थ नीति और मैं भी हूँ वीडियो में वरुण शर्मा के साथ। सो बहुत अच्छा दिन रहा मेरा और आज तो पार्टी, अभी तो काम की बात बाद में। मेरे परिवार के साथ मैंने रात का जो 12 बजे का टाइम है वो बिताया एंड आज बहुत सारे कॉल्स आए, शिल्पा दी का, राज सर का, हरमन भैया का, सो इट्स बीन अ ग्रेट डे। मैं एक्चुअली, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा बर्थडे है, बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर दैट मोमेंट जब मैंने पहली बार पलाश को अपने हाथों में लिया था, मैं 3 साल बड़ी हूँ उससे। सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ माय लाइफ एंड आज 23 इयर्स का हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। सो बस दुआएं निकलती है मन से कि जितना प्राउड वो पूरी फैमिली को फील करवा रहा है, उससे भी ज़्यादा प्राउड फील करवाता रहे हमेशा। नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स रुके हुए आज अभी देने के लिए, सो आज 23 बर्थडे बॉम्ब से मिलेंगे। सो हर साल मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह है, सो आज भी मिलेंगे। मैं अक्सर फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करता हूँ, बाहर जाता था पहले इंडिया के, लेकिन द लास्ट 3 ईयर्स से मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन गए, बहुत स्पेशल लोग आ गए लाइफ में, तो फैमिली के साथ साथ वो कुछ स्पेशल लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करता हूँ। ये सिंगल का नाम है फैंस नहीं फ्रेंड्स, जो कि वी आर डेडिकेटिंग अ सॉन्ग टू ऑल आवर फैंस। ये 28 तारीख को आ रहा है, इसमें पार समथा, नीति टेलर और वरुण शर्मा के साथ साथ मैं भी दिखूंगा एंड अमित मिश्रा, सिद्धार्थ महादेवन और पलक मुछाल ने गाए एंड 28 तारीख को आ रहा है, होपफुली आप सभी को पसंद आएगा। यार मैंने अभी नई गाड़ी ली है और बहुत महंगी गाड़ी है, उसके बाद पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, सो डीजल है लेकिन बट फिर भी वो असर तो पड़ता ही है एंड आई डोंट नो, अभी बस महंगी और होते जा रही है कार, सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग बट लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक एक फेज है, इकोनॉमिकली एक फेज है जिससे हम गुजर रहे हैं। सो आई थिंक आने वाले दौर में ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैं खुद इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई कर रही हूँ, सो मेरी इस क्षेत्र में रुचि रही है हमेशा से। सो आई थिंक आने वाले कुछ महीनों में ओवरऑल जब सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा, सो आई थिंक पेट्रोल के भाव भी कम हो जाएंगे, होपफुली पॉजिटिव। ऑफकोर्स सलमान सर की कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो हमारे घर में सेलिब्रेशन जैसा माहौल होता है। बहुत सारी विशेज़ हैं रेस 3 के लिए, आई एम श्योर कि ये वाली फिल्म भी सलमान सर की हर फिल्म की तरह ब्लॉकबस्टर होने वाली है। थैंक यू सो मच।
यहाँ कुछ हो गया एक दो ले लू हाथ में एक दो घर ले जा हाँ सबका दुकान चल रहा है। बिल्कुल बॉन्डिंग पहले से बहुत अच्छी है पलाश हमने काफ़ी सोच के साथ में और सबसे बड़ी बात है कि वो एक इतना अच्छा इंसान भी है कलाकार तो है बहुत बड़ा वो और बहुत बड़ा इंसान भी है वो और आज जब उसने मुझे याद किया और सडनली देखो आज उसका बर्थडे कल मेरा बर्थडे तो एक दूसरे को विश करेंगे हम 12 बजे बाद वो मुझे करेगा फिलहाल मुझे जाके अभी उसको विश करना है हैप्पी बर्थडे टू मेरे भाई पलाश। हाँ सरप्राइज एक छोटा सा गिफ्ट लाया वो खोलेगा तो मज़ा आएगा उसके लिए गिफ्ट बहुत अच्छा है और वो हर कलाकारों के लिए वो गिफ्ट मायने रखता है तो उसे मद्देनज़र रख के मैंने सोचा कि ये गिफ्ट उसके लिए बिल्कुल फिट है और वैसे भी यार आजकल गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता अगर आप किसी को दिल से बुलाते हो अगर कोई दिल से आता है सबसे बड़ा गिफ्ट वही होता है तो लव यू मेरे भाई प्लस माँ कसम कर देना सबको खलास मतलब वैसे खलास मत करना भाई मतलब बहुत आगे बढ़ो तरक्की करो अभी आप बस जिस जगह पहुँचे हो आप मैं ऊपर से दुआ करता हूँ कि आप और आगे जाए बहुत तरक्की करें इतनी तरक्की करें कि आपका नाम ऋतिक रोशन हो जाए। कुछ नहीं भाई मैं तो छोटा सा प्लान है मैं मेरे बीवी बच्चे कहीं जाएंगे कोई अच्छी सी होटल दिखी भाई अगर ये अगर पुष्कर तो सुन रहा है तो भाई आना हुआ था मस्ती कर रहा हूँ बस ऐसी करेंगे बड़ी बड़ी पार्टी कभी करूँगा मेरी सालगिरह 25वीं सालगिरह है तब डेफिनेटली करूँगा आप लोग सबको बुलाऊँगा लेकिन फिलहाल ये छोटा सा कर रहा हूँ मैं मेरे बीवी बच्चे बस मैं और मेरी तन्हाई हम कहीं जाएंगे लेकिन फिलहाल पलाश की बात करते हैं मेरी बात तो कल करेंगे यार माँ कसम वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन मेरे अंदर कुछ सिंगरों के कीड़े मैं कॉपी करने की आदत है सुखी बाजी सुखविंदर सिंह हैप्पी बर्थडे टू यू जन्मदिन मुबारक हो और एक मेरे फेवरेट एक्टर है नवाजुद्दीन अगर वो पलाश को विश करेंगे कैसे करेंगे माँ का बाप का दादा का सबके बर्थडे विश किया लेकिन आज पहली बार पलाश को बर्थडे विश करने के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू पलाश थैंक यू वेरी मच थैंक यू भाई अच्छा अभी बोल अभी जा रहा हूँ मैं किधर किनारा जा रहा हूँ पहुँच जा तो आजा किनारे पे आ जाते हाँ हाँ देखिए भैया जो है लालू जो आया अपना जो दिल का इलाज करने के लिए आया ठीक है भाई होगा अरे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल में आया बम्बई में आया है ना तो 100% अच्छा ही होगा भाई और बिल्कुल वो हरी हरी चीज़ें खाते तो मेरे ख्याल से उनको कुछ होना नहीं चाहिए बहुत अच्छा चीज़ खाते हो सबको पता क्या खाते हो तो बिल्कुल तो उन्हें तो कोई तकलीफ होगी नहीं नो कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं भाई पर लेकिन लोग तुम लोग खाना शुरू मत कह देना ये उनको हजम होता है आप लोग हजम नहीं होगा भाई तो थैंक मेरी तरफ से लालू जी को बस यही कहूँगा कि लालू जी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए तंदुरुस्त हो जाए गेट वेल सून हाँ ठीक है भैया पूरा बिहार की तरफ से उनके साथ जो है बधाई है और हमारा पीएम भी जो है वो भी बधाई दे रहा है मित्रों भाई बहनों लालू जी का स्वास्थ्य अच्छा हो ये मैं बस दुआ करता हूँ धन्यवाद। बिल्कुल भाईजान की जो एंट्री है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सारे लोग उत्सुक है इस रेस 3 को देखने के लिए एक एक को जो किरदार दिए एकदम बिल्कुल हटके दिए सबसे बड़ी बात है बॉबी देओल बिल्कुल हटके नज़र आ रहे उसमें जो काफ़ी सालों से हम मिस कर रहे बॉबी देओल साहब को वो आएंगे सलमान भाई तो जब भी आएंगे फाड़ देते और ईद पे फिल्म आ रही तो आप लोग जरूर देखना रेस 3 रेस काफ़ी अच्छी रेस है।
थैंक यू सर, थैंक यू। VIP अच्छा उसके जन्मदिन की है, मुझे लगा मेरी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर पलाश बहुत ही टैलेंटेड सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाना तो इतनी बड़ी पार्टी देनी बनती है। सो अंदर जाके अभी सरप्राइज तो देखेंगे क्या क्या मिलते हैं, लेकिन आई विश हिम गुड हेल्थ, क्योंकि हेल्थ अच्छी हो तो बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसको देख के लगता है उसको ये विश भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ ऑलरेडी बहुत अच्छी है। सो भगवान उसकी ऐसी हेल्थ बनाए रखे और ज़्यादा सक्सेसफुल करे, और इतने लोग बुलाए हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी सिर्फ आप लोगों की होने वाली है, हम लोग कम पढ़ने वाले हैं। बट पलाश हैव ए ग्रेट ईयर अहेड, थैंक यू। चलो क्या पूछो यार, क्या पूछो जी? हाँ जी हाँ, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू पलाश। 23 साल के हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और अच्छा लगता है जब इतने यंग इंसान, इनफैक्ट हमसे छोटे होकर भी इतना कुछ पा लिया, इतना कुछ हासिल कर लिया, सो इट फील्स गुड। सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम, हैप्पी बर्थडे। अरे आप भी बोल रहे हैं? यस यस। तो पलाश कुछ कहना चाहेंगे अपने बर्थडे पर? उसने हमारा स्वागत है नया 28 मई को। जी हाँ, फैंस नई फ्रेंड्स जी हाँ, प्रमोशन इज ऑन। यार मैं तेरे बर्थडे के लिए आया हूँ यार। अच्छा बर्थडे के लिए, स्ट्रिक्टली ओके ठीक है। क्या सर, ये तो अभी पता चलेगा, बिकॉज ये तो पलाश की शाम है, तो देखेंगे क्या होता है। केक और खाना और बहुत कुछ, डांस वेंस, मस्ती, सब कुछ होने वाला है। जी वो तो जो गाने बजा देंगे हम, एक बार वो क्या है मूड आ जाता है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं। जी जी, I want to thank each and every one of you, because whoever has watched the show and appreciated the work, not only me but also all the other characters on the show. So it feels nice when you guys have watched season 1 and season 2 and now also season 3. So I hope that you guys are liking it. Please continue to do so, please continue to watch so, because there's lots of fun, lots of masti coming your way. Cheers. Yeah. Yeah, yeah, of course, of course. I mean, trailer kis cheez ka? अच्छा ओके, ट्रेलर सुना नहीं मैंने। और एक सवाल है सर, इसके अलावा पेट्रोल कब हुआ आया? अच्छा ओके, पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ चुके हैं, इतना इफेक्ट होता है आपके ऊपर, क्या टेक होता है भाई? नो आईडिया, अभी फिलहाल तो नहीं। आई हैव बीन अवे फ्रॉम एवरीथिंग राइट नाउ, मैं बाहर था, यहाँ नहीं था। ओके चलो, थैंक यू। You start. It's his birthday, Palach's birthday, और
हम चाहते हैं कि वो जिस तरीके से है लाइफ में और आगे बढ़े एंड बहुत सारी सक्सेस मिले जैसे मिलती आ रही है उन्हें भी उनकी बहन को भी. सो आई होप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे पलाश. मैं तो इतना ही शेयर करना चाहूँगी दैट आई नो पलक सिंस अ वेरी स्टार्टिंग स्टेज ऑफ अ करियर. सो हम दोनों मिले थे वुमेन अचीवर्स अवार्ड पे. सो जब मैंने जाना कि पलक इतनी टैलेंटेड सिंगर होने के बावजूद बहुत ही अच्छी शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग एंड नॉट जस्ट हर. जब मुझे पता चला पलाश भी है और मेरी दोस्ती हुई पलाश से मैंने जाना कि वो भी कितना टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर है. एंड नाउ आफ्टर ईयर्स मैंने देखा दोनों भाई बहन काफ़ी सक्सेसफुल है एंड इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. उनके मम्मी पापा इतने ग्राउंड टू अर्थ सिंपल हैं. सो इट्स रियली नाइस टू नो देम एंड उन लोग भी हमेशा अप्रिशिएट करते आए हैं. सो उनकी खुशी में मुझे यू नो सेलिब्रेट करना इट्स अ प्राइड फॉर मी एंड आई एम ऑनर्ड कि आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी टुडे एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द होल फैमिली मे दे प्रोग्रेस. मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब डांस स्टार्ट करेंगे सब लोग एंड वो फैजल का परफॉर्मेंस कब होगा डिस्कसिंग कि हम हमने कभी भी मिला है हमने. हाँ हम हमेशा ऑडिशंस या अवार्ड फंक्शंस में टकराते रहे. ए हाय फैजल आई डिड झांसी की रानी वो महाराणा प्रताप ऐसे झांसी की रानी और महाराणा प्रताप हमेशा मिलते रहे. फाइनली आज पलाश की बर्थडे पार्टी आई होप हम बहुत सारा डांस करेंगे एंड आई होप ये मुझे कुछ सिखाएगा बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड ऑफ अ डांसर. आई विल सबको इफेक्ट पड़ता है पूरे देश को जड़ से लेकर ऊपर तक आखिरी पत्ते तक पड़ता है. सो हाँ तो डोंट वरी मैं साइकिल से आई हूँ बट आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट दैट्स ऑल आई वांट टू से. या मैं तो प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है हमेशा होता है ऊपर या नीचे. तो अगर अभी बड़े हैं तो आपको उतने देने हैं अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी और नॉर्मली मैं साइकिल से निकल जाता हूँ क्योंकि मैंने साइकिल ले ली है जो सामान सर की है बीन ह्यूमन. तो स्टंट्स और भाग दौड़ हम लोग तो ये महाराणा प्रताप है और मैं झांसी की रानी घोड़े से आते हैं तो पेट्रोल भी वेस्ट नहीं होता है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बट अदरवाइज स्पीकिंग एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि कुछ चेंजेस जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर द करंट सिचुएशन तो होगा एंड आई सपोर्ट. जरूर कुछ होगा जल्द ही पेट्रोल के प्राइसेस कम भी हो जाएंगे. हाँ फर्स्ट टाइम जैसे मूवी होती है ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो वैसे मेरा सलमान सर की मूवी के लिए फर्स्ट ट्रेलर के लिए फर्स्ट मैं तो पहले देख ही रहता हूँ. सी आई लव एक्शन बिकॉज मैंने महाराणा प्रताप किया हुआ है तो आई नो कितना उसमें एफर्ट होता है एंड अगर वहाँ पर सलमान सर होते हैं तो वो एक्शन यू नो स्टाइल के साथ और सारे डायलॉग्स के साथ बहुत ही यूनिक होता है. इस बार तो बहुत न्यू गन्स लिए हैं मतलब बहुत ऐसा लग रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का ट्रेलर है. सो आई लव द ट्रेलर यार मैं एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए. इंशाल्लाह अगर मिलेगा मौका तो सर आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सलमान खान बट सॉरी मैंने रेस 3 का नहीं देखा है. क्या बात कर रही हो आई नो मैं सीधा मूवी देखना चाहती हूँ. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन चल के देखना हु डजंट वॉच टीजर्स और ट्रेलर्स. सलमान भाई का नाम ही काफी है एंड आई जस्ट गो डायरेक्टली विद द फर्स्ट इंप्रेशन. वेलकम अब ओके थैंक यू. हां जी स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट इधर ले यहां पे आप इसे लेके इधर आ जाना. ओके चलो
Oh my god. साथ में सबसे पहले तो पलाश का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं और अंदर से आके क्या सरप्राइज देने वाले हैं पलाश? हम लोग आए यही सरप्राइज है, मतलब वी हैव कम एंड वी आर सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज पलाश इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड यंग बॉय यार. हम लोग वी आर ऑल दिस वेरी यंग टीम एंड वी आर वेरी यंग पीपल आर डूइंग सच गुड वर्क एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी देयर फॉर ईच अदर सो इट्स ऑलवेज गुड कूल. किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करती है पलाश के साथ और कैसी मेमोरीज है? हाँ जी, तो अभी रिसेंटली हमने एक सॉन्ग शूट किया है फैंस नहीं फ्रेंड्स एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, वेरी टैलेंटेड गाय एंड विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. विकास, आपकी तरफ से कोई गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहें आप दोनों मिलके पलाश को? पलाश के लिए यार, अगर हम गाना गाएंगे ना तो पलाश हमें पार्टी से निकाल देगा बिकॉज पलाश इज सच एन अमेजिंग अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर. वो केवल अच्छे गले वाले लोगों को गाने का मौका देता है. क्या बात कर रहे हो तुम, नीति से गवाएंगे हम लोग. नो प्लीज डोंट. ये देखो यार, बर्थडे का मतलब क्या होता है? बर्थडे का मतलब भी सेलिब्रेशन होता है, और अगर बर्थडे में सेलिब्रेशन नहीं होगा तो कहाँ पर सेलिब्रेशन होगा? दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट. या तो पलाश के गानों पर नाच रहे होंगे हम लोग मोस्टली बिकॉज आज उसका दिन है एंड ही इज गिवन सम अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग, सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू डू दैट. यार अगर सलमान सर की पिक्चर का ट्रेलर ट्रेंडिंग पे नहीं होगा तो क्या किसकी फिल्म का प्ले होगा ट्रेलर ट्रेंडिंग में? इट्स ऑब्वियसली वेरी क्लियर, इट इज सपोज टू बी हिज फिल्म एंड वी ऑल विल वॉच इट एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज फिल्मी है ना, फिल्में देखी इसलिए जाती हैं ताकि आप एंटरटेन हो सको. इतना सीरियसनेस नहीं हो लाइफ में, तो सलमान सर की फिल्में होती हैं, कभी कुछ अच्छा सिखाती हैं, कभी कुछ हंसाती हैं, कभी बहुत एंटरटेन करती हैं, सो इट्स ऑलवेज ऑलवेज नाइस. अबाउट आप बताए रेस 3 के ट्रेलर के बारे में. आई एम एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, सलमान खान फैन. यस एंड हैव यू सीन जैकलीन डूइंग दैट? ओह माय गॉड, शी इज हॉट. यार देखो लड़कियां भी बोल रही हैं हॉट है वो. अच्छा मेरे पापा और मम्मी पे बड़ा फर्क अफेक्ट पड़ता रहा होगा मुझे 100% मालूम है, बट आई थिंक दैट अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो डीजल वाली गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, फिर अगर डीजल वाली डीजल का भी प्राइस बढ़ चुका है, इतना बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, तो सीएनजी लोग खरीदेंगे, फिर सीएनजी बढ़ाएंगे वो लोग, तो ये तो ऐसे ये ऊपर नीचे चलता रहेगा. इसमें वी आर नो वंस टू से एनीथिंग, वी आर नॉर्मल पब्लिक, वी विल हैव टू जस्ट लिव बाय व्हाट यू गिव अस, टेल अस एंड व्हाट वी हैव टू गो बाय. Happy birthday to you.
ठीक है, आवाज तो आने दो। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है पलाश, और मुझे बड़ी खुशी है मेरे छोटे भाई जैसा है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड मेक इट एंड आई कुड कम ऑन हिज बर्थडे एंड आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अपकमिंग प्रोजेक्ट मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, लेकिन इस साल 6 और रिलीजेज हैं मेरे, तो 4-5 सिंगल्स हैं, 6-7 बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, और एक और वैसे गाना सुना देता हूँ जो मेरा पलक के साथ ही था। उन्नी मिनी मी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले, एवं करी ना की, एवं करी ना की, ओ एवं करी ना किसी दे नाल प्यार, मुंडिया तो बच के रही नी तू, हुणे हुणे होई मुट्यार, मुंडिया तो बच के रही। थैंक यू। Last year. I would just. I would
and I have seen a lot of ups and downs and a lot of compromising, adjustment, and aap dusron ke liye itna kuch karte hain. I would just want to say that thank you so much. And thank you is not just a word ki main aapke liye bol raha hoon, I think because of you I am living nicely, freedom wali life. ये थैंक यू, मेरी दोस्त मार डालेगी मुझे. पलाश विशिंग यू मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले एंड तुम छोटे नहीं हो. आई थिंक तुम वो कहते हैं ना कला में बहुत ऊपर हो. आई थिंक तुम्हारे दिमाग में बहुत दिल में बहुत इतने सारे सपने हैं, बहुत जल्द पूरे होंगे. एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग लाइक दिस. मैं गाने अंदर क्या बज रहे मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर पलाश के गाने पर ही डांस करूँगी. थैंक यू, थैंक यू सो मच. आई थिंक समर है तो कोई भी चाहेगा कि वैसे ही कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो. सो मैंने शर्ट और डेनिम की रफ रगेड वाली स्कर्ट डाली है एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल एक्चुअली. तो या थैंक यू सो मच. Dude, you're epic and I love you. Yeah, yeah, stadia. Thank you. Thank you, man. This was like epic. Yeah.